हमारे से बढ़िया क्या हो सकता है कि हमारी कमी जिस भी बछड़े को जन्म दे वो तंदुरुस्त हो, उम्दा नस्ल का हो और बलशाली हो, दीर्घायु भी हो। भारतीय नस्ल की गायों का हम उससे संरक्षण संवर्धन करें और उसका उपयोग गौमूत्र गोबर का खेतों में और उसके बाय प्रोडक्ट जैसे बनते हैं एनपीआर फेस केयर या क्लीनिंग में बहुत सारे उपयोग की बनती चीजें सारे का हम सर्वांगीण हिस्सा में इसका प्रयास करें तो मुझे लगता है कि भारत को स्वर्णिम युग में फिर से पहुंचाया जा सकता है। एक मैं आपको डाटा बताना चाहूंगा, पिछले 22 वर्ष पहले न्यूजीलैंड में एक रिसर्च हुआ था, उसमें पाया गया दूध के ऊपर रिसर्च हुआ था, उसमें 2007 की इसके ऊपर एक पुस्तक आई डेविड इंदम ने, पीपल फोर नाउ प्रोफेसर ने पुस्तक लिखी है, इसके रिसर्च में पाया गया कि भारतीय नस्ल की देसी गाय का दूध A2 कहलाता है। A2 दूध वो होता है जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद माना गया है, जिसमें BCM7 नामक तत्व नहीं पाया जाता और जो A1 दूध होता है उसमें बीटा केसिन मार्जिन BCM7 नामक तत्व को पाया जाता है जो कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज या बच्चों को ऑटिज्म और मानसिक विकास में जो बाधा पहुंचाती है ऐसे तत्व दूध में पाए गए। ये रिसर्च 2007 में दुनिया को बताया गया तो आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और जापान जैसे विकसित देश इसमें काम कर रहे हैं और ये तो मिलकर बहुत अच्छा से रेट लेकर के मार्केट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि भारतीय गोवंश में सारा ये तो दूध ही पाया जाता है अगर उसकी क्रॉस ब्रीडिंग नहीं हुई है। देसी गाय के दूध में 8 प्रकार के प्रोटीन, 11 प्रकार के विटामिन भी पाए जाते हैं। ऐसा भी अनुसंधान कहता है कि देसी गाय के 1600 किलो दूध में 10 ग्राम सोना होता है, जिसके सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। देसी गौ के गोमूत्र में मुख्यतः 16 खनिज तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। भारतीय मूल की गाय के पंचगव्य, दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर मनुष्य के शरीर के अंदर पंच तत्व अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी का संतुलन बना देता है और शरीर निरोगी हो जाता है।